हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पनास कुकिंग स्टाइल। आज हमने बनाया हनी चिल्ली पटेटो। ये खाने में बहुत ही लाजवाब यम्मी है और आजकल का जेनरेशन इसे बहुत ही पसंद करता है, तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। हमने मीडियम साइज के 4 आलू लिया। ये आलू को छिलका निकल के मैंने धो लिया और इसे फ्रेंच फ्राई की तरह हम पीसेस करके काट लेंगे। पानी बॉयल हो रहा है, अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालते हैं, इसे मिला लेते हैं और काटी हुई आलू इसमें डाल देते हैं। इसे हम ज्यादा नहीं बॉईल करेंगे, थोड़ा से हल्का सॉफ्ट होने तक इसे हम बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद उसे निकाल लेंगे। आलू बॉईल होने लगा, हम इसे थोड़ा से चेक कर लेते हैं। एक देखिए सॉफ्ट हो गया। अब गैस ऑफ करके इसे हम छाननी से छान लेंगे। इस तरह हम छाननी से पानी निकाल लिया, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसका हम कोटिंग लगाएंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। एक बॉल में मैंने सारे पोटैटो निकाल लिया, इसमें 2 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने में इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर आता है, और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्ची, इसको डाल के मैंने इसे अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। मुझे थोड़ा से ड्राई लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा से पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो मैदा है आलू का बॉडी में प्रॉपरली लग जाए। देखिए आलू में कोटिंग हो गया, इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। मैंने और एक बाउल लिया, इसमें मैंने 1/2 कटोरी मैदा, 1 टेबलस्पून चावल की पाउडर, 1 टीस्पून इसमें तेल डाला। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बैटर बना लेंगे। साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पतला हो जाने से कोटिंग ठीक से आएगा नहीं। बैटर को इस तरह थिकनेस रखना है और मैंने इसे अच्छी तरह फेटा, एक स्मूथ हो गया। अब ये बैटर हमने आलू में डाल देंगे। सारे बैटर आलू में डाल के इसे हाथ से मैंने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से कोट कर लेना है। कढ़ाई में तेल रख दे गर्म होने के लिए। आप एक आलू छोड़ के देखते हैं इसमें गर्म हुआ कि नहीं। हाँ, इसका गर्म हो गया। हम इसे एक एक करके इसमें आलू छोड़ के फ्राई करना है। हमें इस टाइम पे तेल को मीडियम फ्लेम में रखना है और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना। हमें इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करके इसे निकाल लेना है। ये देखिए हल्का कलर चेंज हो गया, इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। देखिए सेकेंड राउंड भी हो गया, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जो आलू को मैंने फ्राई किया था वो हल्का से ठंडा होने के बाद हम दोबारा इसे फ्राई करेंगे, इसे फ्लैश फ्राई कहते हैं। चिल्ली पोटैटो बनाने में फ्लैश फ्राई करना बहुत ही जरूरी है ताकि ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने। देखिए इस तरह कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब हम फटाफट इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितना अच्छा कुरकुरे फ्राई हो गया। चाहे इसी स्टेज में आप इसे थोड़ा सा चाट मसाला और काली नमक छिड़क के ऐसे फ्रेंच फ्राई के तरह आप इसे खा सकते हो, लेकिन अब हमें तो इसे चिल्ली पोटैटो बनाना है तो हमें इसके लिए सॉस तैयार करना है। अब हमने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाला और इसमें 1 टेबलस्पून तिल डाल के हमने हल्का से फ्राई करेंगे। तिल हल्का भुनने के बाद मैंने यहाँ पे काटी हुई लहसुन को मैंने बारीक करके काटा, मैंने 6-7 कली लहसुन डाला और 1/2 इंच टुकड़ा अदरक, मैंने इसे हल्का भूनना है।
हल्का भून लिया। आप थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्ची को थोड़ा पतला करके काट लिया और छोटा एक प्याज डाला इसमें और दो हरी मिर्च, इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये भी हल्का कलर चेंज हो गया। अब हम डालेंगे एक टेबलस्पून टोमेटो केचप। देखिए एक टेबलस्पून केचप डाला, हाफ टीस्पून मैंने विनेगर और एक टीस्पून मैंने सोया सॉस डाला और एक टेबलस्पून रेड चिल्ली सॉस और टेस्ट के लिए मैंने काली मिर्ची डाला, इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। मैंने और क्वार्टर टीस्पून नमक इसमें डाल दिए। सारे चीज हम अच्छी तरह मिला लेंगे और अब डालेंगे इसमें एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसे हमें पानी में घोल लिया था, और इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून हनी। ये डालना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें टैंगी और स्वीटनेस का टेस्ट होता है। ये सॉसेस रेडी हो गया। अब हमने इसे जो फ्राई किया हुआ पोटैटो है वो डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। और इस टाइम पे गैस एकदम से स्लो रखेंगे और पोटैटो के साथ सारे सॉस अच्छी तरह मिलाने के बाद हमने गैस को ऑफ कर देना है। ये बन गया चिल्ली पोटैटो। अब हम इसे प्लेट में निकल के दिखाते हैं आपको। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा सा तिल से गार्निश कर लेते हैं। ये बन गया टेस्टी हल्दी चीनी पोटैटो। आप भी इस तरह घर पे बनाइए और मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन टैप करें ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।